सगे जा रहे हैं, सामने है जय भारत साधु। मैंने सोचा यार आज कुछ जगह से मैं ले सकता, शायद मैंने कुछ फोटोज देखे थे रैंडमली ऑनलाइन। बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। और सुबह के करीब 6 बज रहे हैं और मैं गंगा मैया के तट पे आके बैठ गया हूँ। और यहाँ पे मैं 2-3 घंटे बस ऐसे ही बैठने वाला हूँ। सामने गंगा मैया की धारा प्रवाह जा रही है और आराम से सुकून मिल रहा है। क्या मतलब सुबह का नज़ारा इतना गजब का है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2-3 घंटे मैं बैठने वाला हूँ आराम से, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो अपडेट करता हूँ आपको मैं आगे क्या करना है, तब तक आप आनंद लीजिए गंगा मैया का। एक चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि किसी को हम जल्दी बुलाते उतने ही लेट आता। और ऐसा ही कुछ था जो मुझे ट्रैवलिंग में जो ज्वाइन करने वाला भाई था वो पूरे 1.5 दिन के बाद आ रहा है। मतलब मैं कल यहाँ पहुँच गया था और आज दिन के 1 बज रहे हैं और 1 बज गया और कल का पूरा दिन। इसके बाद भाई साहब ये आ रहे, देखो। और मैं खड़ा हूँ रेलवे स्टेशन पर, तो रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ इस तरह का है। अगर मैं वापस दोबारा आता रेलवे स्टेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर का नज़ारा है शिव जी और एक शिव जी और एक शायद इनका जो आगे दिख रहे हैं इनका अभी क्या है वो तैयार हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से। फिर दोस्तों रेलवे स्टेशन से मैं ऐसे ही रैंडमली जा रहा था और हमारे समाज का एक मुझे यहाँ जगह मिल गई, तो वहाँ पर हम सामान रख दिया है और कुछ थोड़ा काम कर रहा था मैं लैपटॉप में और तैयार हो गया मैं और बाकी सब बढ़िया है। मैं आपको दर्शन करा था गुरुदेव के, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे बहुत अच्छे से, खेताराम जी, आत्मानंद जी, तुलसाराम जी, ध्यानाराम जी और वर्मा जी के अवतार है। और सबसे खास चीज़ बताऊँ इस जगह की, अगर आप इस जगह से थोड़ा बाहर जाते हैं तो यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है जनाब। एक बार फिर से हम निकल पड़े हैं हर की पेड़ी तरफ और देखते हैं क्या रहता है आज का सीन। ऐसे सीन तो आज का ये कि एक काउ सर्फिंग से मेरे दोस्त दिल्ली से उनसे मिलना है और उसके बाद गंगा आरती होगी और फिर वापस बैक टू रूम। और यहाँ से कुछ नज़ारे इस प्रकार के। तो बज रहे 8:30 और अभी खाना जस्ट हुआ है और गंगा आरती में बहुत आनंद आया और हमें काउ सर्फिंग से एक दोस्त भी मिले जिनसे आपको देखा होगा, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आनंद आया हमें उनके साथ बातचीत करके और गंगा आरती का लाभ लेके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग।